चालू। चलो तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि लिखा नहीं गया है। चलो लिखते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। The last topic of the chapter number 5, because NCERT ने आपको, CBSE ने, हमारे कुछ HRD मिनिस्टर है या जो भी है, उन्होंने कहा है कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो इस साल कोरोना की वजह से नहीं होना है। अगर ये गुजरात बोर्ड में रखा जाएगा तो मैं ये करवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, पर ये तो रखा है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, समझेंगे। बढ़िया, बहुत जबरदस्त। एनसीईआरटी ने जो नहीं दिया गया है डायग्राम वगैरह, कैसे ये कंसेप्ट आया, क्यों पढ़ना है, वो सारी बातें हम करने वाले, यानी एकदम टिप टॉप आपका ये टॉपिक हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा, क्यों पढ़ना है पहली बात तो बताओ, मैग्नेट कौन से आइलैंड पे से मिला था? मैसेज करो, जल्दी करो। अरे भूल गए, इंडोनेशिया नहीं, एंटार्क्टिका। वो कोई बच्चे कह रहे हैं एंटार्क्टिका। पाकिस्तान, ओहो, पाकिस्तान में से तो आतंकवादी मिलते हैं। ओके, कहां से मिले थे? सही जवाब है बच्चों आप सभी का, मैग्नेशिया। यस, मैग्नेशिया इज द आइलैंड फ्रॉम वेयर फर्स्ट टाइम मैग्नेट कम्स, जहां से पहली बार आया मैग्नेट, उसको मैग्नेशिया, नाम भी मैग्नेट का मैग्नेशिया से आया। ठीक है, आपको सब कुछ पता है। अब सोचो, वहां पे मैग्नेट खत्म हो गया, इस दुनिया में मैग्नेट अर्थ के अंदर से निकल ही नहीं रहा है, तो उससे पहले ही साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक ट्रिक बना ली, तो कैसे मैग्नेट बनाया जाए। तो हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखी थी शुरुआत में, तो हमने कहा था मैग्नेट की जो आयन की जो एलॉयस होती है उनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो वो कैसे बनता है, वो पूरी प्रोसेस है, और उसी में ये दो टर्म आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं, एक आयन की एलॉय जो पड़ी है यहां पे, 3D में नहीं 2D में बता रहा हूं, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर मैं सिर्फ 6 बता रहा हूं। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अरे वाह, सब उल्टा पुल्टा कर दिए, एंटी क्लॉकवाइज, कोई क्लॉकवाइज है, कोई एंटी क्लॉकवाइज है, कोई क्लॉकवाइज है, कोई एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो करंट्स हैं छोटे 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 इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहे हैं, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन घूमता है, मान लो इधर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट ऐसे आता है, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है हाफ एवर, क्या होती है, हाफ एवर, और वो मैग्नेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है बच्चों, मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे हैं, पर एक की इधर है, एक की इधर है, एक की इधर है, एक की इधर है, ऐसे करके 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 टोटल क्या हो जाएगी, जीरो। इसीलिए आयन का कोई टुकड़ा या उसकी कोई एलॉय ऐसे नॉर्मली आप देखो तो मैग्नेट नहीं है, रीजन पता चला। मैसेज करते रहो, जोश बढ़ता है, जोश आता है, यस यस, अरे वाह यस, सब लोग करो, 40-50 मैसेज, 100-200-500 मैसेज आ जाए, खुशी हो जाए। एम टोटल इज इक्वल्स टू जीरो, एम टोटल इज इक्वल्स टू जीरो। तो भाई एम टोटल क्यों जीरो हुआ पता चल गया, आपको फील आ गई, यानी यहां पे एक आयन का टुकड़ा अगर मैं ले लू कहीं पे, है ही नहीं। क्या ले ले,
आयन का टुकड़ा कहां से ले लें, तो है ही नहीं। चलो ठीक है, मान लो समझ लो ये आयन का टुकड़ा है, ब्लैक आयन, तो ये अभी मैग्नेट नहीं है। तो इसको मैग्नेट बनाना है, तो मैग्नेट बनाने के लिए तरीके बनाए गए हैं। एक अर्थ में से निकला हुआ मैग्नेट लाइए, इसको घिसो बार बार नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में घिस 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 करो, तो मैग्नेट बन जाता है। अगर आपने खेला है मैग्नेट से, तो छोटी सी खिल्ली होती है ना, दो चार पड़ी होती है, तो एक को पकड़ो फिर उससे दूसरी कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। हाँ के ना, हुआ है ऐसा? हाँ, इसने हार्दिक ने फील किया, यस भाविसा ने भी, ओ सॉरी नुपुर ने, निहारिका ने भी ऐसा देखा हुआ है, सबने देखा हुआ, सुजल ने अंगूठा देखा हुआ है, अंगूठा देखा है okay, लाइक कर रहे हैं, यस ऐसा देखा हुआ है। यानी जो जो घिसने वाला लॉजिक, इससे मैग्नेट बनता है। दूसरा एक और लॉजिक है, अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसको रख के इस पे हथौड़े मारो, ठास 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 ठास, हथौड़े मारने से इलेक्ट्रॉन हिलते हैं और हिलने से उनकी मोमेंट नॉर्थ साउथ में एडजस्ट हो जाती है, तो फाइनली क्या बन जाता है, मैग्नेट। ये पुराने तरीके हैं, हेक्टिक होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ता है, हाथ पे भी जोर पड़ता है, मशीनों पे भी जोर पड़ता होगा। तो ये पुराने तरीके हैं जो अब यूज नहीं होते हैं। अब यूज होता है सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर एलॉय रखो, स्विच ऑन करो, थोड़ी देर रखो, स्विच बंद करो, बाहर निकालो, मैग्नेट रेडी। ये तरीका है, तो बढ़िया है ना, कैसा हो गया? यानी आपने कुछ मिक्स करके वो क्या कहते हैं उसको, ओवन में रखा, बाहर निकाला, अरे वाह तैयार। हाँ, फ्रीजर में पानी रखा, बर्फ निकल के आ गई, ऐसा हो गया। ये तो बढ़िया भाई, सोलेनोइड के अंदर मैग रखा, एलॉय रखा और बाहर निकाला, स्विच ऑन ऑफ करके थोड़े समय में, तो आपके पास मैग्नेट रेडी है। तो कौन सा तरीका बढ़िया है, माइक्रोवेव ओवन जैसा हो गया, तो ये बढ़िया तरीका है। चलो समझते हैं इस तरीके को, तरीके को तरीके से समझेंगे, बढ़िया, इतना बढ़िया समझेंगे कि इतना बढ़िया समझेंगे कि पता नहीं कितना बढ़िया। देखो चलो, सोलेनोइड सोलेनोइड सोलेनोइड, चलो सोलेनोइड बनाते हैं। क्या बनाते सर, पूरा तो पढ़ा दिया, कितनी बार पढ़ा दिया, अब तो ऐसा लगता है कि सोलेनोइड ऐसा हो गया कि रोज की बात है। ये करंट ऐसे गया, एन टर्न्स है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको बी नॉट कह दो, और उसको मुन्नी से आपने डिनोट किया हुआ है। यू नो व्हाट इज मुन्नी, मुन्नी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। व्हाट इज स्मॉल एन, व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सबको पता है, सबको पता है। अब देखो, अब मेरी बात समझो, ये क्या बताता है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम की बताएगा, बट दिस इज द परमेबिलिटी, ओके, सो दैट द रिमेनिंग टर्म विच प्रोवाइड्स इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड, so that the remaining term is known as magnetic intensity, yes or no, h, it is denoted by h का मतलब है magnetic intensity, और magnetization is denoted by capital N, तो h को हम क्या लिखेंगे बच्चों, Ni, what is the unit of H? Ampere per meter. अरे भाई, I का unit ampere, N का मतलब number of turns per unit length. तो इसका unit 1/meter. तो finally H आ गया, magnetic intensity, Ni, समझ में आया कि नहीं, clear हुआ? हुआ बिल्कुल क्लियर हुआ, एमएलटी वगैरह बना दो, यस समझ में आया, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब क्या किया जाए, अब इसको मैग्नेट बनाने के लिए
किसके अंदर रखा जाए, ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन। यहाँ पे ओवन नहीं है, ये करंट आई चल रहा है और ये सोलेनोइड है। तो जैसे आप कोई चीज बनाने के लिए ओवन में रखते हो, केक वगैरह उधर ही बनता होगा, मेरे को नहीं पता है, बनाया नहीं, केक उसमें ही बनता है 100%, पिज्जा भी उसमें बनता है, हाँ ये पता है, पता नहीं छोड़ो, ज्यादा बात नहीं करनी नहीं तो भूख लगेगी। अब हम करते हैं एलॉय को, यानी जो मेटल जो टुकड़ा है जो एलॉय इन सोलेनॉइड, उसको रख दो, रखने से बहुत मजा आएगा। चलो समझते हैं क्या मजा आएगा। ये है सोलेनॉइड, ये है सोलेनॉइड, इसका करंट है आई, इसके अंदर आपने रखा। अब इसको हटा देता हूं नहीं तो फिर अंदर वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको रखा हमने ऐसे एलॉय को, कितने पार्ट हैं भाई, 6 पार्ट है, ठीक है। उसका ऐसा सिस्टम ये है भाई, ऐसा है, यानी ये पूरा वॉल्यूम है, अभी मैं आपको 2D बता रहा हूं पर पूरा वॉल्यूम है, हाँ के ना। और इस वॉल्यूम में ये जो बताए हैं ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन है, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर थंब मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब आपको पता है। तो वो जो पता है वो इसमें आप जैसे रखा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी B0 वो इन पे फोर्स लगाएगी, चलो मेरी डायरेक्शन में, या टॉर्क लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। यू ऑल नो अबाउट दिस इक्वेशन, व्हेन वी प्लेस मैग्नेटिक डाइपोल, दीज आर दी स्मॉल डाइपोल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, अप टू विच कहां तक लगाए, जहां तक टॉर्क जीरो ना हो, यानी कि एंगल पे मैंने तीर रखा है, यानी एंगल क्या होना चाहिए, जीरो, तब टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस व्हाट, ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। आया के नहीं, अरे समझ में आया के नहीं, समझ में आया बच्चों, समझ में आया बच्चों, मैसेज नहीं आया, आया एक साथ आया, बहुत सारे आए, चलो बढ़िया, समझ में आया। तो यानी क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, कुछ रह गए, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जंगली इलेक्ट्रॉन है जो नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं सुधरूंगा। ऐसे बच्चे भी होते हैं, बच्चे बच्चियां सब होते हैं, टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, फिर सोचो कि सर हमको टॉन्ट मार रहे हैं, मैं तो आईना बता रहा हूं। और कई भाई आईना देखने से पता लगता है कि रियलिटी क्या है बच्चों, और जो खुद से ये समझता है वही आगे जाता है, खुद से समझो, किसी के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं कह रहा हूं तो आपको एहसास हो, नहीं, खुद एहसास करो, खुद रात को सोते समय 5 मिनट पहले सोचो कि भाई आज जो दिन भर हमने किया वो हमारे कैरियर में, हमारी फैमिली को, हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को किस तरह से हेल्पफुल होगा। 5 मिनट पहले, सोते पहले, सोने से पहले आप 5-10 मिनट ये सोचिए कि आपकी फैमिली और आपको किस तरह से आपका पूरा दिन हेल्पफुल रहा, और दूसरे अगर नहीं रहा तो बी पॉजिटिव, और दूसरे दिन उठ के 5 मिनट बाद तक ये सोचिए कि अब हम क्या करें आज पूरे दिन जो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये खास नोट कीजिए बच्चों, ये आदत डाल दीजिए, अगर ये आदत डाल दी तो मैं डेफिनेटली आपको कहता हूं 3 दिन के बाद आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपने पूरा दिन अच्छे से नहीं निकाला।
तीन दिन, और फिर चौथा दिन आप कोशिश करोगे कि नहीं आज अच्छा करें, तो हफ्ते के अंदर तो आप लाइन पे आ जाओगे पूरा का पूरा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बस अपने को एनालिसिस कीजिए, अपना पूरा अपने को एनालाइज कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और इस पे वर्क कीजिए, चलाइए। पर कुछ जंगली बच्चे हैं, वही आ जाते हैं, कुछ जंगली इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं मानेंगे कि हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो नहीं सुधरेंगे। तो यानी यहां पे अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो टोटल है इसकी, वो अब जीरो नहीं है। क्यों? यहां पे जीरो क्यों हो गई थी? सभी सेम है पर कुछ आधे क्लॉक है और आधे एंटी क्लॉक, समझ रहे हो ना? ओके, यहां पे पांच क्लॉक है पर छठा एंटी क्लॉक है, पर यहां पे मोमेंट तो मिलेगी, ये कैंसल हो जाएगी, पर चार की तो एक डायरेक्शन मिलेगी, यहां पे मोमेंट मिलेगी। तो ये जो हुआ इसको क्या बोलते हैं? इसको जादू बोलते हैं। मैंने बोला आपको बहुत मेहनत करनी है, ये करना है, फलाना दिखना, ओ अचानक से आप घर पे गए, अभी लेक्चर खत्म हुआ, मम्मी पापा के पैर पड़े, ओ हो, और पढ़ने लग गए, पूरा दिन पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो माँ बाप को डाउट होगा कि आज ऐसा था क्या हुआ। हाँ, ऐसा तो इसको किसने क्या कह दिया जो ये ऐसा हो गए? हाँ, समझ रहे हो? तो ये जादू जो होता है, इस जादू को आप बोलते हो हिप्नोटाइजेशन। मैंने आपको हिप्नोटाइज कर दिया, बस पढ़ो, तैयारी करो, बढ़िया बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो, तो आप हिप्नोटाइज हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले मैग्नेटिक मोमेंट जीरो थी, अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं, तो ऐसा क्या जादू हुआ? उस जादू को बोलते हैं मैग्नेटाइज। क्या बोलते हैं इस जादू को बेटो? मैग्नेटाइजेशन। इस जादू को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, जिसको डिनोट करते हैं हम एम से। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इक्वेशन लिखता हूं, डेफिनेशन भी लिखते हैं, आइए। पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में से कितने ने डाइपोल मोमेंट बनाई, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। हिप्नोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें मोबाइल में बैकग्राउंड में जाके गेम खेलने की इच्छा हो रही है, पर कई बच्चे गए, कई बच्चे सो गए, पर कई बच्चे जगे रहे, मेहनत करते रहे। तो पूरे वॉल्यूम में से कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, उसी को तो बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन। पक्का बच्चों? ठीक है, ठीक है। अब ये एक और बात, ये वेक्टर है हमें पता है, तो ये भी वेक्टर होगा। यस, पता है। इसका यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। आप यूनिट बताओगे एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स और एम्पियर पर मीटर। क्यों? इसका क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा? मीटर क्यूब। तो आ गया एम्पियर पर मीटर। समझ में आया? क्लियर बच्चों? आके ना। यस यस यस। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये सभी करंट्स को हटा देते हैं, यानी एक सभी डायरेक्शन चेंज होके एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आपको करंट मिलता है, तो इसको बोला गया आई एम, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। आके ना, मैग्नेटाइजिंग करंट। समझ में आया? क्योंकि जो इसमें था इसमें कोई करंट ही नहीं था, अब इसमें क्या हो रहा है, सभी करंट्स एक डायरेक्शन में, जो नहीं है वो एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मोमेंट इधर मिल रही, तो इसका मतलब सभी करंट एक डायरेक्शन में है, तो उस करंट को हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नेटाइजिंग करंट। अब देखो मैग्नेटाइजेशन यानी एम टोटल अपॉन बी, ये एम टोटल यानी निया पता है आपको, यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, इस एलोई का वो एरिया टर्न्स, ये तो सोलेनोइड जितनी टर्न्स पे आ रही है ना ऊपर वो टर्न्स, और ये क्या है आई एम, व्हाट इज आई एम, मैग्नेटाइजेशन करंट। व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू लेंथ, इसका एरिया और इसकी लेंथ, एरिया एरिया गया तो ये क्या आ गया एन आई एम। अरे वाह, जैसा एच का था वैसा ही मैंने एम का बता दिया, आपको मजा आ गई। अरे सर ये तो सिंपल हो गया, जो एच का था एन आई,
वही एम का है एनआई, पर एम में मैग्नेटाइजेशन नहीं, आईएम आएगा। इसमें ये जो आई है ये सोलेनोइड का करंट है, इसमें यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा। बच्चों पता चली, पता चला कि नहीं? हाँ कि ना? यस यस, इसका यूनिट वही रहेगा, देखो एम्पियर इंटू एम्पियर पर मीटर, सेम टू सेम। क्लियर है? क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे पढ़ दे और बढ़िया। चलो बच्चे अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक और चीज समझते हैं। देखो यानी इतना बढ़िया समझने के बाद अभी बात बाकी है थोड़ी। बढ़िया बढ़िया, दो डायग्राम बना रहा हूं अभी, पहले का सोलेनोइड जिसमें करंट आई जा रहा था, और उसका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट इज इक्वल टू मुन्नी यानी म्यू नॉट इनटू एच, ये था। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, हमने मैग्नेट बनाने के लिए एक मैग्नेटिक जो सॉरी आयन की जो एलॉय थी उसको रखा, इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट आया, यहां पे करंट आई था, ओके आई आया आई गया। अब यहां पे जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो चेंज हो जाएगी, ध्यान से समझना, वो चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अगर वेक्टर से लिखे तो, बी नॉट तो थी, अब मैग्नेटाइजेशन के कारण ये एक और करंट आ गया जो इसके सेम डायरेक्शन में होगी, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना इधर बी एन, और इसके अंदर कितनी थी बी नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, बी नॉट प्लस बी एम, यस और नो, एग्री और नॉट? लॉजिकल बात है, इफ बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन देन सिंपल एड देम एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड आफ्टर पुटिंग द alloy of the iron inside the solid. So this is the simple process, very simple concept to understand about the total magnetic field after putting the alloy of iron inside the solid. Okay, now we can write the equations. We know the equation of magnetic field before the insertion of the alloy, mu not into H. We all know H is the magnetic intensity and it is a vector quantity. Yes, it is a vector quantity. Now, what is the magnetic field due to the magnetization? So again, mu naught into N. आपको पता है इन दोनों के यूनिट सेम है, अगर ये mu naught H मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये भी mu naught M मैग्नेटिक फील्ड ही बनाएगा। सोचो सोचो सोचो, हाँ के ना, हाँ के ना, यस और नो? ये H इंटू म्यू नॉट करके आप यहां पे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हो तो इसका और इसका यूनिट तो सेम है, तो इसको भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी एम, समझ में आया? मैग्नेटाइजेशन के बाद टोटल हो गया। अब आपको H को सब्जेक्ट बनाना है, ऐसा इक्वेशन एक एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं बना रहा हूं, H को सब्जेक्ट बनाओ तो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम हो जाएगा। ये दिया है इसलिए बना रहा हूं, ये तो दिया है इसलिए बना रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। म्यू नॉट कॉमन आ गया, नीचे चला गया, एच प्लस एम में से एम उधर गया तो माइनस एम हो जाए, ये तो आता है आपको, कोई रट्टा नहीं लगाना है। ओके, बात एक और करनी है भाई। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नोट करना, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो तब की बात अलग है, पर फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैं आपको कहता हूं बच्चों, आप होमवर्क अगर आप कर सकते हो तो कल करके आना। आप मान लो जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे होमवर्क करके आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कम या ज्यादा, अगर मैं ऐसा बोला तो? बच्चों अगर आपसे होमवर्क हो तो करके, प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम?
कम, बहुत कम। क्या यार सर तो एकदम हलवा है, हलवा है सर तो कुछ नहीं कर। अब मैं कहता हूं कल अगर होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी अनुपम खैर भी नहीं है। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तो होमवर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन होना, मैग्नेटाइजेशन कितना होगा वो हम कितनी सोलेनोइड से इंटेंसिटी दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच, मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच। तो एम इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय काई एम। तो बच्चों ये एक इक्वेशन मैं यहां पे नंबर देता हूं, ये एक इक्वेशन नंबर दो देता हूं, यूज करेंगे इसलिए। ये समझ में आया, एक कांस्टेंट आएगा काई एम को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाँ ये क्यों आया, सर ने इंटेंसिटी दी उतना मैग्नेटाइजेशन होगा, पर ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कैसा मटेरियल है। कुछ भी कर लो नहीं सुनेगा, कुछ ना कुछ बहाना लेके आएगा। सर आज हमारे एरिया में कोरोना पॉजिटिव आया था इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया, उसको सैनिटाइज करने गए थे लगता है। सर मैंने ज्यादा सैनिटाइजर हाथ पे लगा लिया इसलिए हाथ में थोड़ा सा जलन सा हो रहा है, इसलिए पेन पकड़ी नहीं जा रही है, इसलिए होमवर्क नहीं किया। कोरोना के लॉजिक आ रहे हैं, हाँ के ना, समझ रहे हैं? सर मेरे को थोड़ी सी सर्दी हो गई थी तो मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया होमवर्क वगैरह सब से, सब चीजों से दूर, इसलिए होमवर्क नहीं किया। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ऐसे बच्चे नहीं है हमारे पास, सही है, पर डिपेंड्स ऑन मटेरियल कि भाई कितनी इंटेंसिटी मिली और कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑल्सो। तो ये जो काई एम है ये वही दर्शाता है। अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटीरियल एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के लेवल की बात है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, उससे ही ये मोमेंट बन रही है, पर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है वो डिस्प्लेस होगा, जो मोमेंट ऐसे अरेंज हो गए पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट टेम्परेचर बढ़ा तो वो डिस्प्लेस हो सकती है। दैट्स व्हाई द मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, इसीलिए कॉन्स्टेंट लाया गया। ये यूनिट लेस है बच्चों, ये जो कॉन्स्टेंट है ये यूनिट लेस है। क्यों भाई, दिख रहा है एम और एच का यूनिट सेम है तो यूनिट लेस बनेगा। ठीक बच्चों समझ में आया। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इस बोर्ड की बात करें, आगे जो लिखे वो पता नहीं है मेरे को इसके लिए। तो B इज इक्वल्स टू, अब मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं, म्यू नॉट कॉमन आ गया, एच प्लस एम हो गया बच्चों। वेक्टर नहीं ले रहा हूं, स्केलर लिख रहा हूं। आप तो वेक्टर लिख रहे हैं तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एम, काई एम इंटू एच, नाउ म्यू नॉट इंटू वन प्लस काई एम इंटू एच, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर पुटिंग द मटीरियल इन साइड द सोलेनॉइड। बिफोर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू एच, आफ्टर पुटिंग द मटीरियल इन साइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स B vector is equal to some multiplication into H. So we all know about this logic. Before free space हो, पहले free space हो, free space तो ये होगा, अब medium हो गया तो ये हो गया, तो इसका मतलब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। One का plus का EM is known as relative permeability. क्या बोलेंगे बच्चों इसको,
रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे भाई ये कहां से आया, याद करो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू आर, समझ में आया। फाइनल इक्वेशन आपका बन जाएगा बच्चों म्यू इंटू एच, पहले म्यू जीरो एच, आफ्टर म्यू एच, क्योंकि आ गया मटीरियल। कौन आ गया? मटीरियल आ गया, समझ में आया बिल्कुल। चलो तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया है, बिल्कुल बढ़िया सा। अब एक छोटी सी बात कर लेते, सिर्फ कितना रट्टा लगाए फॉर एमसीक्यू फॉर सम्स, कंसेप्ट तो आपने बिल्कुल पक्का कर दिया, ऐसा कर दिया कि आपको कहीं पे भी ये समझ में आएगा ही, एनसीईआरटी रीड करोगे उससे ज्यादा समझ में अब आपको आएगा, बिकॉज हमने पिक्चर बनाई है, डायग्राम बताया, फिजिकली प्रैक्टिकली फील करवाया है, तो बढ़िया है। अब आपको बच्चों ये सब तो याद रहना ही रहना है, बट एक और चीज मैं करना चाहता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, जो कहीं पे आपको सम्स में यूज होगी और सम्स में करवाऊंगा आपको कल 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 करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा कल छुट्टी नहीं है, जन्माष्टमी है तो घर पे ही रहना है ना, छुट्टी है, ठीक है, बस छुट्टी का टाइम हो चुका है, पर थोड़ा सा रुकते हैं, ध्यान से देखना। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम आ गया, पर एक बात है, एन आई प्लस एन आई एम याद है ये, तो भाई ये मुन्नी आई प्लस आई एम, आप ऐसा सोचोगे सर मुन्नी को छोड़ते ही नहीं है, कहीं पे भी लेके आ जाते हैं, बट हम क्या करें भाई, मुन्नी कहीं पे भी आ ही रही है, ये वापस से मुन्नी है, यानी पूरा इतना लेक्चर घुमाया 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 और वापस मुन्नी पे लेके आ गए हैं। वेरी सिंपल लॉजिक भाई, मुन्नी ही है जो है, हम तो क्या कर सकते हम तो क्या कर सकते, समझ में आया। चलो अब इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, लेक्चर बढ़िया हुआ, इक्वेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो कौन से याद रखने हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो 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 जल्दी जल्दी करो फटाफट, चलो चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, अरे ले लिया तो मैसेज कर दो, ओके डन। यानी अब इस पिक्चर में